नहीं, आपको मतलब है आपके पैसे से चैनल चलाने से कितना पैसा बीजेपी दे रही है? सर इसका क्या लेना दे? भारत के मामले में कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं तो उसमें भारत की स्थिति को अक्सर बहुत खराब दिखाया जाता है। हनुमान जी ने बस फाड़ दिखा देते भी, वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं, तो आज नहीं डेली पूजा करते हैं, वो स्वयं भगवान नारायण है, श्री अर्णव पत्रकार भगवान नारद है। कि वो अंग्रेजों को मर्सी पेटिशन लिखे, माफी मांगे इस तरीके की। हाँ, दिखाया रिपोर्ट पे जो ड्रग्स पकड़ा गया, किसी ने दिखाया किसी चैनल? आप इसी हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी बात गोदी मीडिया में इकट्ठे कुछ किस्सों की करते हैं। इस साल ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी देश में भुखमरी की क्या स्थिति है के आंकड़ों में भारत का रैंक 116 देशों में 101 है और हमें 27.5 अंक मिले हैं। रिपोर्ट की माने तो नेपाल की रैंकिंग 76, बांग्लादेश की 76, म्यांमार की 71 और पाकिस्तान की 52 है। इस रैंकिंग के बाद मीडिया को सरकार को घेरना चाहिए, पर मीडिया इस रैंकिंग पर ही सवाल उठा रहा है। भारत में आज के रावण का एक और रूप गरीबी और भुखमरी भी है। वर्ष 2021 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मुताबिक भारत भुखमरी के मामले में दुनिया के 116 देशों में 101वें नंबर पर है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 वर्षों में भारत के 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं और अब 1990 के मुकाबले भारत में गरीबों की संख्या आधी रह गई है। लेकिन पश्चिमी देशों की गैर सरकारी संस्थाओं को ये सब दिखाई नहीं देता और ये जब भी भारत के मामले में कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं तो उसमें भारत की स्थिति को अक्सर बहुत खराब दिखाया जाता है। हम ये नहीं कह रहे कि भारत के सभी लोगों को अब भरपेट भोजन मिल रहा है या भारत से गरीबी पूरी तरह से मिट चुकी है या भारत में भुखमरी नहीं है, हम ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन जितनी खराब स्थिति इन अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में दिखाई जाती है उतनी खराब स्थिति भी भारत में नहीं है। न्यूज 18 पर सावरकर को लेकर हुई डिबेट में जब एंकर अमीश देवगन महात्मा गांधी का पूरा नाम लेने लगे तो वैसे ठीक से ना ले पाए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया। आज मैं यंग इंडिया अखबार की मैं कॉपी निकाल के लाया हूँ जिसको मोहनचंद करमचंद मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा है। माफ करिए मोहनदास करमचंद, अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है। मोहनदास करमचंद गांधी ने एडिट किया है, एमके गांधी साहब ने एडिट किया है। आज तक पर एक डिबेट में गेस्ट ने जैसे ही अडानी पोर्ट पर मिली ड्रग का जिक्र किया तो एंकर ने एकदम से उनको बीच में काट दिया और कुछ और बात करने लगे। जो ड्रग्स पेडलर हैं ये किसी राजनीति दल के, किसी धर्म के, किसी जाति के नहीं होते हैं, ये मानव जाति के दुश्मन होते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, 22 या 23 सितंबर की बात है कि अडानी पोर्ट पर जो उनका बंदर का, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को देते हैं, जिन धाराओं के तहत गिरफ्तारी हुई है आर्यन खान की, 3 धाराओं के तहत। महाराष्ट्र के मुद्दे पर जवाब देने के लिए टाइम्स नाउ के एंकर सुशांत सिन्हा ने नवाब मलिक से बात की। जब एंकर ने उन्हें सवालों में घेरने की कोशिश की तो नवाब मलिक ने एंकर को ही सुना दिया। मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ कि बिल्कुल होना चाहिए। आपको मेरा तर्क अनिल देशमुख मामले में पसंद नहीं आया, लेकिन मैंने वो तर्क इसलिए दिया कि वो आपका पैमाना हर जगह के लिए होना चाहिए। राजस्थान में किसानों को दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है, क्या वो नवाब मलिक के लिए किसान नहीं है? राजस्थान के किसान जो भी किसानों के खिलाफ अन्याय करेगा वो अन्याय है, उसका समर्थन कौन करता है? आपने कांग्रेस की सरकार राजस्थान में पूछा सर, एक प्रश्न पूछा, महाराष्ट्र बंद किया? मेरे भाई आपको जितने सवाल दिए जाते हैं आप पूछते रहिए, जो हमें जवाब देना हम देते रहेंगे। तो इसका मतलब आपको उन किसानों से मतलब नहीं है सर? नहीं, आपको मतलब है आपके पैसे से चैनल चलाने से कितना पैसा बीजेपी दे रही है? सर इसका क्या लेना देना है? इसका क्या लेना देना है? बीजेपी पैसा दे रही है नहीं दे रही है, आप आरोप लगा सकते हैं। अनिल देशमुख ने किससे किससे पैसा लिया इसका सवाल पूछा जा रहा है। बीजेपी का प्रचार करते हैं, आपके मालिक क्या करते हैं, ये सवाल मुझसे जवाब मत लीजिए, शायद आपकी। सर मेरा प्रश्न आपसे ये, राजस्थान के किसानों पर आप क्यों नहीं बोलते? और आपका जवाब ये, बीजेपी क्या पैसा दे रही है? रिकॉर्डेड है, आप दिखा नहीं पाएंगे, आपकी नौकरी चली जाएगी, इसलिए जाना। मेरी नौकरी की चिंता ही मत कीजिए सर। हिंदुस्तान लाइव के पत्रकार अक्सर महंगाई की समस्या पर जनता से बात करते नजर आते हैं, पर इस बार एक जागरूक नागरिक ने उन्हें गोदी मीडिया बताया। देखिए ये मजेदार वीडियो। सब आपने मुझे गोदी मीडिया क्यों कहा? आजकल ये दिखा रहे हैं टीवी पे। आपने गोदी मीडिया क्यों कहा मुझे? तो क्या बोलते हैं उसका, दिखाया कहीं कोई चैनल ने अडानी का जो वो पकड़ा गया? हाँ, दिखाया रिपोर्ट पे जो ड्रग्स पकड़ा गया, किसी ने दिखाया किसी चैनल? आप इसीलिए मुझे गोदी मीडिया कह रहे हैं? हाँ, इसीलिए कहा। किसी चैनल ने दिखाया? नहीं दिखाया ना। आप मुझे अभी मोदी के आदमी भी कह रहे थे पीठ पीछे, क्यों कह रहे थे? वही तो कह रहा हूँ मैं, जो कुछ दिखाने वाली बात है वो तो दिखाते नहीं है चैनल वाले, और जो नहीं दिखाने वाली है वो दिखा देते हैं। अच्छा है ना, अभी ये अफगानिस्तान में तालिबान करा, हमारा देश रोक नहीं सकता था? रोक सकता था, हम कमजोर हैं।
हाँ, हम तो उन्हें दोनों को भी मिला के मार सकते थे, दोनों को भी, वो दोनों एक जगह होते तब भी मार सकते थे, मगर हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। हम कमजोर हैं, कमजोर हैं हम, नहीं कमजोर नहीं है हम डर गए। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग अभी भी मोदी भक्ति में लीन हैं। जब ललन टॉप के एक पत्रकार ने एक व्यक्ति से बात की तो वह मोदी के गुण गाने लगे। मोदी जी को आपने ये बात कही कि हम संविधान नहीं मांगते? मोदी जी प्रधानमंत्री है, वो संविधान नहीं है, वो प्रधानमंत्री है, हम उनकी पूजा करते हैं, उन्हें भगवान की तरह पूछते हैं, वो हमारे भगवान है, वो हमारे सीने प्रवेश करते हैं, समझो हनुमान जी ने फाड़ दिखा देते, वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं, आज नहीं डेली पूजा करते हैं, वो स्वयं भगवान नारायण है, श्री अर्णब पत्रकार भगवान नारद है, श्री योगी जी हनुमान जी है, और अमित शाह जी वो ही भगवान शेषनाग है, भगवान लक्ष्मण है, जे पृथ्वी पे भगवान अवतारे हैं, गीता में साफ साफ लिखा है, इस धरती में जब जब अत्याचार होता है मैं अवतार लेता हूँ, रावण थे प्रभु श्री राम आए, कंस था प्रभु श्री कृष्ण आए, आज मुगल थे मुगल शासन था, आज अंग्रेजी शासन था, आज इटली शासन था, आज कश्मीर नरसंहार था, आज अयोध्या कांड था, आज ठीक जगह जगह बम फटते थे, जगह जगह दंगे होते थे, लोग अकाल मृत्यु मरते थे, जो नारायण का अवतार है, ऐसे समझो आप। अब ये भी देख ही लेते हैं कि मीडिया देश के किन जरूरी मुद्दों पर बिजी है और सवाल सत्ता से कर रहा है या विपक्ष से। सावरकर पर छिड़ गई नई जंग की वजह है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनका वो बयान जिसमें उन्होंने ये कहा कि किस तरह महात्मा गांधी ने वीर सावरकर को सलाह दी थी कि वो अंग्रेजों को मर्सी पेटिशन लिखे, माफी मांगे, इस तरीके की बात। उधर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा है कि आज हिंदुत्व की बात करने वाले सावरकर को बदनाम किया गया, यानी वीर सावरकर को एक बहुत बड़ी सियासी साजिश के तहत बदनाम करने की चाल चली गई। आप सावरकर जी का नाम लीजिए और ये राजनीतिक दल और इन राजनीतिज्ञों की रातों की नींद गायब हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।